वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ सिंप्लीफाई ऑफ मिक्स फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। चलिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 whole 4/7 इंटू 1 whole 13/22 इंटू 1 whole 1/15। इसे बनाने के लिए चलिए हम अपने नोटबुक पे चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि सिंप्लीफाई ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। पहले बनाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए पहले हम एक एग्जांपल ले लेंगे, समझेंगे आसानी। एक रैंडम एग्जांपल लाइक 3 whole 1/5 ले लेते हैं। ये 3 whole 1/5 है। अब इसके कुछ नाम है, जैसे ऊपर जो 1 है ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे है ये, इसे जो 5 है उसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। और जो ये है इसे हम लोग होल पार्ट कह सकते हैं, होल नंबर कह सकते हैं, नंबर। और पहले हम लोग इसको, ये मिक्स्ड है, तो इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और जितना आएगा 1 में प्लस कर दीजिए। सिंपली देखिए, ये 5 है डिनोमिनेटर, इसे होल जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद जितना आपका आंसर आएगा उसमें 1 प्लस कर दीजिए, लाइक दिस। इसमें से हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा और प्लस 1 16, और डिनोमिनेटर का वही रह जाएगा, 16/5 हमारा आ गया, 16/5। उसी पे हम लोग को ये एक क्वेश्चन है, उसे हम लोग बनाना है। चलिए इसे बनाते हैं। सिंपली जैसे उसमें किए थे उसमें यही कॉन्सेप्ट हमको ये बनाना है। जैसे 7 है तो 7 को हम 1 से इंटू करेंगे, फिर जितना आंसर आएगा हम 4 से प्लस कर देंगे। चलिए करते हैं। तो 7 में हम लोग 7 को 1 में करेंगे तो 7 ही आएगा, और 4 से प्लस करेंगे तो 11/ डिनोमिनेटर का योग का त्यों रहेगा 7। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में आ जाते हैं, साइन में कोई चेंजेस नहीं। अगर 22 को 1 में करेंगे, 22 को 1 में तो हमारा 22 आएगा, और 13 प्लस करेंगे तो 35/22 आ जाएगा हमारा। उसके बाद साइन जो है उसको लिख देंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, 15 से 1 में इंटू करेंगे, फिर 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 16/15। अब देखेंगे कि कौन से कर सकते हैं, कौन से नंबर इसको जितना से इतना छोटा कर सकते हैं। जैसे 7 से 35 कर सकता है, 11 से 22 कर सकता है। इसी तरह 7 से हम लोग 35 को 5 टाइम कर देंगे, और 11 को हम लोग 22 को 2 टाइम में काट सकते हैं। उसके बाद 5 को 3 टाइम में 15 काट सकते हैं, और 2 से 16 को 8 टाइम में काट सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग आगे हमारा 18/3 आ गया। ये हमारा इरेगुलर फ्रैक्शन है। इरेगुलर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ये डिनोमिनेटर से बड़ा होगा ऊपर वाला, जिसको डिनोमिनेटर कहा जाता है, वो इरेगुलर। तो इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन था, तो मिक्स फ्रैक्शन में आप कर सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। तो हमारा डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे 3 8, ये डिवाइड करेंगे तो बस 3 से 8 2 6 2, तो हमारा आ गया इतना, ठीक है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि इससे इससे इसे क्या कहते हैं। तो पहले ये 2 है, इसे हम लोग कोशियंट कहते हैं, और ये इसे हम लोग डिवाइजर कहते हैं, और इसे डिविडेंड कहते हैं, और जो नीचे वाला इसे रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर। अब हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। जैसे 2 है
जिसे हम लोग न्यूमरेटर में लिख देंगे। उसके बाद जो डिवाइज़र है, ये डिवाइज़र इसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे। डिनोमिनेटर में कभी कोई चर्चा नहीं होती है, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 था तो यहाँ पे 3 होगा। और उसके बाद जो कोशियंट है, कोशियंट उसे हम लोग होल पार्ट में लिखेंगे। यहाँ पे कोशियंट 2 है तो 2 हो गया। देखिए अब इसे हम लोग चेक भी कर सकते हैं, 3 से 2 में मल्टीप्लाई करिए, 6, 6 प्लस 2 8, 8 बाई 3 हमारा आ गया है। ये सिंपली है, इसमें कोई ज़्यादा कोई कुछ नहीं करना, आसानी से बन सकता है। आज के लिए इतना ही मिलते हैं वीडियो में।